अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, मैं हूं नदीम महबूब और लाइव टीवी के प्लेटफॉर्म से बड़ी अहम अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नई हुकूमत वजीर आजम की दो हफ्ते की रिपोर्ट कारकर्दगी क्या रही, एक जायजा रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई। वजीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम की दो हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने इन दो हफ्तों में वो काम कर दिखाया जो इमरान खान चार साल में सोच भी नहीं कर पाया। वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब ने अपनी जायजा रिपोर्ट में कहा कि चार साल में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी गई थी, लेकिन इन दो हफ्तों में आटा चीनी घी के सस्ता आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी शुरू हो चुकी है। और वज़ीर आज़म ने चीनी 85 से 70 रुपये 10 किलो आटा 550 से 400 रुपये का कर दिया है। वज़ीर इत्तेहाद की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म दे चुके हैं। दो हफ्ते में बिजली के 27 में से 20 पैदावार यूनिट चला दिए हैं, जबकि बिजली के कारखाने चलाने के लिए तेल और गैस फराहमी के इकदाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तकनीकी खराबियों के बायस बंद पड़े कारखाने फिर से जिंदा होने लगे। मरियम औरंगजेब ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चार साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो का मनसूबा 4 दिन में चला दिया और अब इस्लामाबाद हवाई अड्डे से मेट्रो को मोटरवे फैजाबाद से जोड़ने का मंसूबा है। बाराको से रवात जज तुसी की फिजिबिलिटी की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मोटरवे पर मेट्रो का स्टेशन बनाने का इकदाम किया है, दिया मीर पाशा डैम की तमीर की रफ्तार बढ़ाई है और इसकी तकमील की मुद्दत 2029 की बजाय 2026 में मुकम्मल करने की नई डेडलाइन दे दी है। वजीर आजम ने इब्तदाई दो हफ्तों के दौरान मकामी आबादी के लिए अस्पताल की फिजिबिलिटी की तैयारी का हुक्म दिया, खुशदार को 1 लाख, शहरा को 2 से 4 रवैया करने का संगे बुनियाद रखा, फिर अगले मरले में 6 रवैया करने के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रखा है। हुकूमत के इब्तदाई दो हफ्तों के दौरान बलोचिस्तान के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क्याम का ऐलान किया गया। इसके अलावा क्वेटा में भी मेट्रो चलाने की फिजिबिलिटी बनाने का हुक्म दिया है, जबकि बलोचिस्तान के 5 लाख लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट से इमदाद देने का ऐलान भी किया है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद नौशाद मरियम औरंगजेब ने अपनी जायजा रिपोर्ट साबिक वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि इमरान खान इसे कहते अमली खिदमत पाकिस्तान स्पीड के साथ।